यार विनोद आजकल फैशन हो गया है क्या? साला हर साउथ फिल्म का टीजर, ग्लिम्स या फिर ट्रेलर रात को 11 है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? प्रशांत से जाके पूछ। अबे क्या बोल रहा है तू? तो भालू कंगवा फिल्म का ग्लिम्स कल रात को ही रिलीज हो गया था, हालांकि मैं थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। झूठ बोल रहा है साला। अबे पोले क्यों खोल रहा है? चलो छोड़ो, इसे इग्नोर करो। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्या की। भाई ये बंदा हीरो के रोल क्यों करता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे एंटी हीरो के रोल में या फिर विलन के रोल में देखने के बाद तुम इसे भूल ही नहीं सकते। विक्रम मूवी के जो लास्ट के 3-4 मिनट में इन्होंने रोलेक्स बन के एंट्री मारी थी, वो अभी तक मेरे दिमाग में छपी हुई है। और अब कंगवा में जो दिखेगा उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तुम खुद इस डेडली और ब्रूटल लुक को देखो। यार मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंने आखिरी बार पद्मावत में देखा था, जहाँ पर रणवीर सिंह ब्रूटल खिलजी का रोल प्ले किया था। वही हैवानिया सूर्या के चेहरे से साफ टपक रही है। इसे कहते हैं रोल में घुस जाना। एक ऐसा राजा जो खून की नदियां बहाता है, लाशों के पहाड़ पर अपना साम्राज्य खड़ा करता है, सोचो वो कितना डेडली होगा और युद्ध में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होंगे। इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, इस ग्लिम्स में सूर्या के एक्सप्रेशन देख लो, तुम्हें सब दिख जाएगा। हैवानियत, मैडनेस, ब्रूटलेस और डेडली एक्सप्रेशन, साला कैसे कर लेते हो ये सब? करते कैसे हो ये सब? हो जाता है। अब भाई लोग ग्लिम्स देखकर और मेरी बातें सुनकर तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मूवी कैसी होगी। फिर भी अगर इसकी थीम की हम बात करें तो कहानी पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करती रहती है। एक राजा जिसके पास सब कुछ है, जो कभी कोई जंग नहीं हारता, उसे एक्चुअली में एक बीमारी हो जाती है। अब वैसे तो उसे कोई दुश्मन हरा नहीं पाता, लेकिन एक बीमारी उसे हरा देती है, यानी कि वो उस डिजीज की वजह से मर जाता है। अब फ्यूचर में एक लड़की उसी पर रिसर्च करती है, और जिस तरह के सीन हमें ग्लिम्स में दिखाए गए हैं उन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि कंगवा में हमें बहुत ही एपिक लड़ाइयाँ देखने को मिलने वाली है। यानी शायद बाहुबली के बाद फिर से एक बार वही राजा महाराजाओं की लड़ाइयों को इतने बिग स्केल पर देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त होने वाला है। ग्लिम्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाशों का वो ढेर जिसमें एक भाला स्लो मोशन में आके एक आदमी के आर पार हो जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा औसम वो वाला सीन है जिसमें वो इंसान जब बीजीएम पर हिलता है, यानी कि उसके सीने में भाला लगा हुआ है और बीजीएम के साथ वो हिल रहा है। ओ माय गॉड, अब इसे कहते हैं गूज़बम्प्स। हाँ, क्या सिनेमाटोग्राफी है और क्या विजुअल है। वैसे विजुअल इफेक्ट देखी क्या तुमने? इसका बजट 350 करोड़ के आसपास है। और यार अगर इतने कम बजट में अगर कंगवा मूवी के मेकर्स इतने अच्छे VFX और CGI दे सकती है तो आदि पुरुष के मेकर्स को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर। ना, फालतू की बातें मत कर। और BGM भाई फुल एडवेंचर की फील देता है और हर सीन में परफेक्टली कनेक्ट होता है, यानी कि क्वालिटी के मामले में मूवी फुल सेटिस्फेक्शन देने वाली है, ऐसा ग्लिम्स को देखकर लग रहा है। हालांकि टीजर और ट्रेलर अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन कंगवा को जो बिल्डअप दिया है उसे देखकर तो मूवी से अच्छी वाइब आ रही है। मतलब जैसे कि बाहुबली एक सुपर हीरो है, वैसे ही कंगवा होने वाला है, यानी कि सब कुछ परफेक्ट है। बस अब स्टोरी पर डिपेंड करेगा कि कंगवा कैसी होगी। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, और इसके दो रीजन है। पहला तो खुद सूर्या, क्योंकि इस बंदे की एक्टिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और देखना रोलेक्स की तरह ही कंगवा की भी हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। और दूसरा खुद एक ग्लिम्स, जिस तरह से ये दिख रही है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यही है वो जो बाहुबली की जगह लेने वाली है, मतलब कि उससे मिलती जुलती वाइब आ रही है। खैर तुम अपनी बताओ, तुम्हें कंगवा मूवी की ये ग्लिम्स कैसी लगी? और हाँ, प्रभास की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट K का भी एक ग्लिम्स आया था, जिसको लेकर भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसे भी एक बार जरूर देखना, तुम्हें वो ऊपर मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।